नमस्कार, मैं नील फकरवाल। कक्षा 12 में अपने डे 198 में हम और एटॉमिक फिजिक्स अपने चल रही है, परमाणु भौतिकी जिसको हमने शुरू कर लिया था। इसमें हमने एक बात पढ़ी थी, वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ लिया था। उसमें बात कर ली थी क्या मॉडल है, क्या उसके प्रेक्षण हैं, क्या उसके निष्कर्ष निकलते हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन कक्षाएं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। इसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी लिख देते हैं, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए व्यंजक याद कीजिए, ऐसे भी कहते हैं। तो ऑर्बिट में हमें पता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करते हैं सर्कुलर पाथ पे, तो वहां उनकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी टोटल एनर्जी कितनी है, उसी को लिए और ये वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स का मतलब है उस ऑर्बिट की एनर्जी, ये लिखा है तो इसका मतलब हमें ऑर्बिट की एनर्जी बतानी है। ऑर्बिट की एनर्जी का मतलब उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, उसकी एनर्जी हमें बतानी है कितनी है। कभी कभी ये लिखा नहीं जाता कि वहाँ इसकी ऊर्जा ज्ञात करो, ऑर्बिट वर्ड का यूज कर लिया जाता है, तो वहाँ हमें उसकी एनर्जी ही बतानी है। तो इसके लिए मान लेते हैं कोई भी परमाणु है, ये उसका नाभिक है। नाभिक का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जेड ही, जेड प्रोटॉन की संख्या होती है। और नाभिक के अंदर कुल आवेश कितना होगा, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, पता है नहीं, प्रोटॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश होता है, न्यूट्रल पार्टिकल है उसको कोई आवेश नहीं होता। तो कितने जितने प्रोटॉन है उतना ही आवेश हो जाएगा, क्योंकि एक आवेश को हम ई से लिखते हैं 1.6 × 10 की और -19 को लाख इसकी वैल्यू रहती है, जो हमने बहुत बार पढ़ ली है। और जेड क्या है, जेड इसका परमाणु क्रमांक है इस नाभिक का। तो जो भी जैसे मान लो हीलियम ले रहे हैं तो जेड का मान 2 हो जाएगा, लिथियम ले रहे हैं तो जेड का मान 3 हो जाएगा, कार्बन ले रहे हैं तो जेड का मान 4 हो जाएगा। और आप हाइड्रोजन के लिए हम आगे बात करेंगे, बोर मॉडल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बोर मॉडल के बाद हम हाइड्रोजन एटम सॉल्व करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो हाइड्रोजन एटम में हम जेड की वैल्यू 1 ले लेंगे, इसी डेरिवेशन को हम दोबारा फिर करेंगे एक बार और हाइड्रोजन एटम में। तो अभी तो हम जेड ले रहे हैं, कॉमन बात लेकर चल रहे हैं, जेड जेड का मतलब है यहाँ कोई भी परमाणु हो सकता है। तो हमने मान लिया कोई भी परमाणु, ये उसका नाभिक है और नाभिक चारों किसी भी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, ये नाभिक की त्रिज्या है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उस पाथ की त्रिज्या है। अब पहली कक्षा में होगा तो त्रिज्या पहली कक्षा के अनुसार होगी, इलेक्ट्रॉन दूसरी में होगा तो त्रिज्या ज्यादा हो जाएगी, तीसरी में होगा तो और ज्यादा हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा उस परमाणु पर, उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p6 इसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं। अब हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है इसके लिए एनर्जी, हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ई की वैल्यू निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कुल एनर्जी किसके बराबर होगी, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर। तो हमें यहाँ क्या सोल्व करना है, गतिज ऊर्जा का मान निकालना है इसके लिए और स्थितिज ऊर्जा का मान हमें निकालना है। उसके लिए एक दो बातें हैं जो जनरल वैसे सारी आ चुकी हैं, फिर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको, कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत रहती है, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्रीय बल की। और अभिकेंद्रीय बल का मान होता है mv² / r, ये अभिकेंद्रीय बल का मान होता है। और कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे तभी मूव कर सकते हैं जब वहां अभिकेंद्रीय बल उसको किसी और बल से प्राप्त हो रहा है उसके बराबर हो। अभिकेंद्रीय बल हमेशा किसी और बल से प्राप्त होता है, वहां कोई ना कोई दूसरा बल लगता है, वही उस पार्टिकल को मूव करने के लिए क्या देता है, अभिकेंद्रीय बल देता है हमेशा। हम 11th में भी पढ़ते हैं कि वृत्ताकार ढालू पथ पर वाहन की गति, समतल वृत्ताकार पथ पर वाहन की गति, तो उनमें भी हम बात करते हैं, वहां घर्षण बल अभिकेंद्रीय बल देते हैं। फिर हम वहां गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं कि जो ग्रह है वो चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार पथ पर, वहां पर जो अभिकेंद्रीय बल है वो कहाँ से मिलता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है, यहाँ किससे मिलेगा, यहाँ ये भी आवेश है क्योंकि प्रोटॉन धनावेश होते हैं नाभिक में, और ये भी आवेश है जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी आवेश है, तो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसको कहते हैं कूलाम बल। सबसे पहले चैप्टर में स्थिर वैद्युतिकी में हम पढ़ते हैं बहुत डिटेल में कूलाम बल, कूलाम बल का मान होता है k1q2/r2। तो यहाँ कूलाम बल लगता है और कूलाम बल जो है वो इसको क्या देता है, इसको अभिकेंद्रीय बल देता है।
तो वृत्ताकार पथ पर मूव तभी करेगा इलेक्ट्रॉन जब कूलाम बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। अगर मान लो बराबर नहीं है और कूलाम बल ज्यादा है तो ये इसको क्या करेगा, खींच लेगा। ठीक है, तो पार्टिकल क्या होगा, इधर नाभिक की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसका सर्कुलर पाथ रहेगा। जबकि हमें पता है सर्कुलर पाथ में मूव होता है, तो इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी हमेशा कि अभिकेंद्रीय बल कूलाम बल के बराबर होता है तभी वो सर्कुलर पाथ में मूव होता है। क्लियर। अब आगे हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सामान्य बातें हम एज्यूम कर लेते हैं, माना कोई परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक जेड है, उसके नाभिक में आवेश जेड ई है और जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम देख रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है। इतनी बात हम एज्यूम कर लेते हैं। माना कोई परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक जेड है, इसके नाभिक में आवेश जेड ई है। आप जेड इज इक्वल टू वन भी ले सकते हैं, तो ई लेकर चल लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन में आप जेड की वैल्यू वन रख देंगे क्योंकि वन एच वन होता है उसके लिए। इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में गतिशील, ठीक है। अब जो बल लग रहा है नाभिक के प्रोटॉन के दो या नाभिक भी लिख सकते हो, वह इलेक्ट्रॉन के मध्य कूलाम बल क्या होगा, F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर के जेड ई इन टू ई अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू आ गई जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन दे दो फर्स्ट से, के जेड ई क्या हो गया, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये क्यू वन हो गया, वो क्यू टू हो गया, बीच की डिस्टेंस आर हो गई, तो इसमें अप्लाई हो गया। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा घुमाने फिराने वाला कोई मैटर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अब इस पर अभिकेंद्रीय बल, इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल। देखो ये डेरिवेशन एक बार फिर और आएगा सिलेबस में, इसलिए आप इसको अभी अच्छी तरह समझ लेंगे, तो दोबारा फिर आप खुद इसको एज इट इज कर लेंगे, दोबारा हमें फिर इसको पूरा इतना डिटेल से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको एफ ई लिख दो, इसको एफ सी लिख दो, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वैल्यू होती है एमवी स्क्वायर अपॉन आर। समीकरण नंबर दो, वृत्ताकार पथ पर गति तभी होगी जब दोनों फोर्स जो है वो बराबर होंगे, तो उसके लिए वृत्ताकार पथ के लिए दोनों वैल्यू क्या करते हैं, बराबर करते हैं, देन एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा एम वी स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। समीकरण नंबर तीन, इसको तीन अभी तक न तो गति जुड़ जा रही है और नई स्थिति जुड़ जा रही है, अभी तक एक बात आई है केवल कि दोनों में रिलेशन ले लिया हमने और उसी रिलेशन से हमारे पास आ गया एम वी स्क्वायर। ये क्यों किया है, क्योंकि अगर इसका आगे 1/2 लगा देंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो एम वी स्क्वायर निकाल लिया हमने, गतिज ऊर्जा आ गई। अगर ना स्थिति ऊर्जा कैसे निकालते हैं, स्थिति ऊर्जा स्थिति पर डिपेंड करती है, वहाँ क्या क्या कंडीशन है, किसके लिए हम सोल्व कर रहे हैं। स्थिति ऊर्जा हमेशा निकाय की होती है, सिस्टम की होती है, ये हम पहली बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात कर चुके हैं निकाय की। उसमें ये नहीं होता कि अलग से इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा या अलग से प्रोटॉन की, वो पूरे निकाय का मतलब उसमें जितने कण हैं उनकी सबकी होगी, ग्रुप की होगी, समूह की होती है स्थिति ऊर्जा। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं वहाँ स्थिति ऊर्जा के बारे में आवेशों में, तब पढ़ते हैं दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। तो दो आवेश है तो दो आवेशों का ग्रुप है, एक पूरा समूह है, ऐसा नहीं इसकी अलग उसकी अलग। दूसरी बात फिर पढ़ते हैं हम तीन आवेशों में निकाय की स्थिति ऊर्जा, तो तीन का मतलब तीनों का ग्रुप है, वो तीनों की एक साथ ही आएगी अलग भी आएगी। तो यहाँ जो स्थिति ऊर्जा निकलेगी वो इस निकाय की निकलेगी आवेशों के लिए। तो स्थिति ऊर्जा कैसे निकालते हैं, जिसके लिए जिस निकाय में हम निकालते हैं जिस आवेश पर, तो उस पर दूसरे के कारण तो विभव निकाल लें और गुणा कर दें आवेश से। ठीक है, जैसे यहाँ पर निकाले तो नाभिक के कारण विभव और गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश आया। कैसे ये भी विभव के फॉर्मूले से आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। विभव क्या होता है,
W अपॉन Q किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विभव क्या है। ये तो करते हैं। तो W इक्वल टू क्या आ गया, V इंटू क्यू। V क्या है, विभव। विभव क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। और Q क्या है, आवेश है। यहाँ कोई भी जो आवेश है, यहाँ इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन हो गया माइनस ही। तो यहाँ इससे आइए, ये सारी बात किसकी परिभाषा से, विभव की परिभाषा से आइए ये बात। तो यहां से आ जाती है स्थितिज ऊर्जा, पहले निकालते गतिज, फिर निकालते स्थितिज। गतिज तो निकल ही चुकी है तो स्थितिज निकाल लेते हैं। यहां लिख देते हैं गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, एक बटा दो एम वी स्क्वेयर। तो के बराबर एक बटा दो लगा दो, एम वी स्क्वेयर का मान है ये आपके पास जेड स्क्वेयर अपॉन आर। समीकरण नंबर तीन, ये एक मान आ गया। कुल ऊर्जा निकालने के लिए दोनों निकालनी है, हम स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, नाभिक के कारण विभव गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसको यू से लिखते हैं। विभव क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। नाभिक क्या है, बिंदु आवेश की तरह काम करता है। बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर, बिंदु आवेश का तीव्रता होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डिफरेंस रहता है। तो के क्यू अपॉन आर क्यू की जगह क्या, नाभिक के कारण, ये क्यू की जगह जेडी, जेडी अपॉन आर इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, माइनस ई। स्थिति ऊर्जा में प्लस माइनस रखना पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, माइनस है तो माइनस साथ लेके चलेंगे, नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन जब गुलाम बल की बात करते हैं तो केवल परिमाण लेते हैं, ये नहीं कि यहाँ पे ई रख दिया, यहाँ माइनस ई क्यों नहीं रखा, क्योंकि फोर्स है। फोर्स का क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसलिए हमने इसको क्या यूज करते हैं, केवल यूज करते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। समीकरण नंबर चार, अब कुल ऊर्जा निकाल लें। कुल ऊर्जा ई बराबर क्या होती है, के प्लस यू होती है। दोनों का मान रख दो, ई बराबर आ जाएगा, के का मान रखोगे 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन आर माइनस ये यहाँ के छोड़ दिया था, ये ध्यान रखना, यहाँ के लगा लेना इस समीकरण एक में के। समीकरण एक से ही हमने इस राइट साइड में के को छोड़ रखे है, के के जेड ई इंटू ई है ना, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया, तो ये के रह गया सभी में, के लग गया। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पर भी किया गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा आ गई यहाँ पर भी, के हमने गतिज ऊर्जा में ये मान रखेंगे एम ई स्क्वायर अपॉन आर का, तो ये के यहाँ भी आएगा। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो के कॉमन आ रहा है, जेड स्क्वायर अपॉन आर वो भी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लें, के कॉमन आ गया, जेड स्क्वायर अपॉन आर कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 1/2 माइनस 1 आधा है और एक है, तो क्या बचेगा माइनस का आधा, तो वैल्यू क्या बची, माइनस 1/2 के जेड स्क्वायर अपॉन आर। या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ज्यादातर एग्जाम में ये लिखा आता है कि सिद्ध कीजिए इलेक्ट्रॉन कक्षा का मान ई बराबर माइनस 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर। बोर्ड एग्जाम में जब भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये एक बार का तुम्हें ध्यान है, तब ये लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए ये, तो 1/8 पाई कहां से आया, के का मान क्या होता है, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जीरो, दो से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, माइनस 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर। अगर यहाँ एग्जाम में जेड नहीं लिखा है तो भी कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब वहां आपको ये लिख देंगे हाइड्रोजन एटम के लिए, नहीं लिखेंगे तो ये अंडरस्टूड है कि हम वहाँ क्या ले रहे हैं, जेड की वैल्यू 1 ले रहे हैं, ऐसा परमाणु ले रहे हैं जिसका परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का नाम लिख दें तो हमें जेड का मान 1 लेके ही चलना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं हाइड्रोजन एटम के लिए, जैसे हाइड्रोजन के लिए हम दोबारा सोल्व भी करेंगे इस बात को, E इज इक्वल टू माइनस 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, ई स्क्वायर अपॉन आर। ये दो समीकरण है, समीकरण नंबर 5 ही किसको शो कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन कक्षा को शो कर रही है, इसी कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को व्यक्त कर रही है। इसमें माइनस आ रहा है, वो माइनस क्या बता रहा है,
माइनस बताते हैं कि इतनी ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है। माइनस हमेशा अट्रैक्शन को बताता है, माइनस का मतलब होता है आकर्षण और प्लस का मतलब होता है प्रतिकर्षण। क्योंकि जब बल की भी बात करते हैं तो देखो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है ना, दोनों आवेश प्लस माइनस माइनस के होंगे तभी तो प्लस में उत्तर आएगा, या दोनों प्लस प्लस के होंगे तब प्लस में उत्तर आएगा। तो दोनों सेम प्लस आवेश है तो भी प्रतिकर्षण, माइनस है तो भी प्रतिकर्षण। आकर्षण कब होगा, जब एक प्लस होगा और एक, और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो उत्तर किस में आएगा। तो माइनस हमेशा किसको शो करते हैं, आकर्षण को शो करते हैं, आकर्षण को बताते हैं कि आकर्षण बल कितना लग रहा है। तो यहाँ ऊर्जा है, आकर्षण की ऊर्जा है, कौन आकर्षित कर रहे हैं, नाभिक कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को कर रहे हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है, ये वो ऊर्जा है जिससे नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, अपनी तरफ बांध के रखता है उसको। अब दूसरी तरह से आता है एक नंबर में क्वेश्चन, किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिक से मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा लिखिए, तभी अपने ये चिपकाया थे हमारा, लेकिन तब ये गलत होते हैं। इलेक्ट्रॉन को नाभिक से मुक्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए क्या होगा, जब उसकी ऊर्जा जीरो हो जाएगी। जीरो कब होगी, जब उतनी ऊर्जा हमें देनी, कितनी ऊर्जा से बंधा हुआ है, इतनी ऊर्जा हम बाहर से लगाएंगे तो हम इसको यहाँ से फ्री करके निकाल सकते हैं। इसका मतलब अगर ये कहा जाए, दोनों बातें अलग अलग है, ठीक है। अगर आपको कहा जाए इलेक्ट्रॉन कक्षा की ऊर्जा बताइए, तब तो आपको ये बताना, ठीक है, सिद्ध करना है, तब आपको ये सिद्ध करना है, तीन नंबर में आ जाए। लेकिन अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए एक नंबर में, किसी नाभिक से इलेक्ट्रॉन को या किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का सूत्र लिखिए, तो उस सूत्र में अपने को तो ये याद होता है सूत्र, और अपने माइनस प्लस का ध्यान नहीं देते, अपने माइनस से लगा देते हैं। तो माइनस का मतलब है इतनी ऊर्जा से बंधा हुआ है, और जब इससे निकालना है तो इतनी ऊर्जा हमें किस में देनी पड़ेगी, प्लस में देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक से या परमाणु से मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी, यही ऊर्जा होगी, लेकिन किस में होगी, प्लस में होगी। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन की बात है, लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो इस तरह से ये आता है। तो यहाँ से इसका निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं, समीकरण 5 से क्या दिख रहा है हमें, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से E का जो मान है वो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को व्यक्त करता है जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा रहता है, या जिस ऊर्जा से नाभिक से आकर्षित रहता है, ठीक है। समीकरण 5 इलेक्ट्रॉन की कक्षीय ऊर्जा है, अतः इस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षित रहता है या बंधा रहता है, अतः इलेक्ट्रॉन को नाभिक या परमाणु से मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा E = क्या है, 1/8πε0E²/R। ये आप लिख लें, समझ लें, इसको याद कर लें, थोड़ा रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। हम कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम के बारे में, उससे पहले हम बोर मॉडल पढ़ेंगे, फिर बोर मॉडल हाइड्रोजन एटम में अप्लाई करेंगे, फिर हम उसका कक्षीय इलेक्ट्रॉन का वेग निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉन की फिर ऊर्जा निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे तब यही बातें फिर पूरा का पूरा डेरिवेशन ये करेंगे, बस इतना तक चेंज करेंगे, लास्ट में आर का मान रख देंगे, क्योंकि तब तक हम हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकाल चुके होंगे, तो त्रिज्या का जो व्यंजक है वो यहाँ लगा देंगे अपने बस। तो ये काम ये दो बार आता है हाइड्रोजन एटम के लिए कहते हैं, तो भी ये बात है। इसमें भी आप ध्यान रखें कि अगर जेड जरूरी जेड के लिए बात करें तो जेड नहीं हो तो आप जेड को छोड़ सकते हैं, जेड का मान एक रख सकते हैं, लिख दें कि हमने जेड का मान एक लिया है, तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है। और जेड लेके चलें तो जेड क्या करना है, पूरी पूरे डेरिवेशन में साथ ही तो रखना है, साथ चलता रहेगा, लास्ट में रिजल्ट में साथ आ जाए, बाकी बातें कल करेंगे।